हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा अक्स ऑप्टिफाइबर शेयर के बारे में। देखिए, उन्होंने अपने क्वार्टर रिजल्ट पेश किए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये क्वार्टर रिजल्ट पेश करने का टाइम चल रहा है। तमाम कंपनियाँ अपने रिजल्ट पेश कर रही हैं, इन्होंने भी अपने रिजल्ट पेश किए हैं। वो रिजल्ट कैसे आए हैं वो भी आपको दिखाऊँगा और तमाम इसकी डिटेल दिखाने की कोशिश करूँगा। इस शेयर के अंदर क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो इन का रिजल्ट आप देख सकते हैं। अक्स ऑप्टिफाइबर रिपोर्ट्स कंसोलिडेट नेट लॉस ऑफ 5.52 करोड़ इन द जून 2024 क्वार्टर। तो देखिए, कंपनी लगातार लॉस में चल रही है और उसके पिछले लॉस के मुकाबले देखेंगे तो लॉस इन का बढ़ता ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। सेल्स डिक्लाइन 27.59%, सेल्स घटी हैं लगभग 27.5% की। 41.95 करोड़ नेट लॉस ऑफ अक्स ऑप्टिफाइबर रिपोर्टेड ऑफ 5.52 करोड़ इन द क्वार्टर एंडेड जून 2024 अगेंस्ट 1.80 करोड़। सेम क्वार्टर में पिछले साल इनोवा घाटा जो नुकसान था वो 1.80 करोड़ था, अब बढ़कर 5.52 करोड़ का हो चुका है। तो लॉस बढ़ा रही है कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। हमारे रिटेलर इसी तरह की कंपनियों में अपनी भरपूर होल्डिंग लेकर बैठे रहते हैं। चलिए, बाकी इसकी हम डिटेल जानने की कोशिश करते हैं इस शेयर के अंदर और बाकी क्या चल रहा है। आज के परफॉर्म की बात करें तो देखिए, इनका आज का परफॉर्म है, लो लगाया इसने 8.40 रुपये का और हाई 8.73 रुपये का। वहीं 52 वीक की बात करें तो 52 वीक में ये हाई इसका 15.85 रुपये और लो 7.90 रुपये। तो फिलहाल की आपको 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है। सिर्फ यही इसके अंदर एक अच्छाई है, लेकिन ये अच्छाई किसी काम की नहीं जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा हो। तो फंडामेंटल भी चेक करें कंपनी का, तो देखिए फंडामेंटल मात्र 140 करोड़ की कंपनी है। पी इसका -1.96 का है और प्रति इक्विटी इसका डेप्ट देखें, कर्ज देखें तो 2.53 रुपये का इसके ऊपर कर्जा है। कर्जा कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जितने इसके शेयर हैं उससे भी 2.5 गुना इसके ऊपर कर्जा है। तो कंपनी के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं देखने को मिल रहा। आरओई देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी 38.80 का माइनस है ये भी। अर्निंग पर शेयर देखें तो 4.38 रुपये ये भी माइनस है। डिविडेंड यील्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक वैल्यू इसकी 1.34 रुपये की है और फेस वैल्यू 5 रुपये की है। कंपनी का फाइनेंशियल देखें तो बहुत बुरा हाल है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, इसका लगातार माइनस में ही कंपनी चल रही है। जो पिछले क्वार्टर में सेम मैंने जो आपको दिखाया था पिछले साल का, वो 2 करोड़ का माइनस था और अब 6 करोड़ का माइनस है जून 2024 में। और उससे पिछले क्वार्टर देखोगे आप मार्च वाला था, उसमें तो हद ही हो गई, -60 करोड़ था। सालाना आधार पर भी देखें इनों का प्रॉफिट, तो देखिए हालांकि पिछले कुछ सालों के देखें तो इसका घाटा घटा है, लॉस कम हुआ है। जो कि 359 करोड़ का लॉस हुआ करता था, अब फिलहाल 71 करोड़ का इसका लॉस है साल दर साल देखें। लेकिन पिछले कुछ सालों को भी देखोगे तो उसमें भी आपको बढ़ता होने रहेगा। 350 से घटकर 25 करोड़ पाया था इसका नुकसान जो लॉस था, फिर मामूली होगा जो केवल 42 लाख का था, लेकिन अब फिर दोबारा 14 करोड़ और 71 करोड़ इस साल में। तो इसके अंदर देखिए, चार सालाना देखें या ईयरली देखें, दोनों ही तरीके से कंपनी लॉस में चल रही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें इसका हम, देखिए तो देखें होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न हमेशा बहुत खूबसूरत मिलता है। ऐसी जो लुटी पिटी कंपनियाँ होती हैं उसके अंदर प्रमोटर हमेशा टॉप पर बैठे रहते हैं, 74.10% की हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं, जैसे कंपनी यही खरीदने वाले हैं। बड़ी कंपनियों में रिटेलर को पता नहीं क्या दिक्कत होती है, अपने इसमें होल्डिंग नहीं बनाते। सिर्फ क्या दिमाग में रहता है कि हमारे पास बहुत सारे शेयर हो जाएंगे, उन बहुत सारे शेयरों का क्या करोगे यार, पका खाओगे, अचार डालोगे उसका। जब आपको नुकसान देने वाले शेयर हैं ज़्यादा खरीद कर भीड़ लगा क्या करोगे, कुछ भी नहीं। प्रमोटर की हिस्सेदारी कुल 25.89% की है। डोमेस्टिक वालों की देखें तो कितनी मामूली है, 0.01%। तो डोमेस्टिक वाले ऐसी कंपनी में पैसा डालते हैं, लेकिन इतना डालते हैं उनके पास 1 करोड़ रुपये है तो 1,000 रुपये डालेंगे ऐसी कंपनी में। लेकिन हम जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो 10,000 में 2-3,000 रुपये तो
इन ऐसी खचाला कंपनियों में डाल देते हैं जो काफ़ी प्रॉफिट ही नहीं कर रही हैं, चाहे सालाना आधार पर देख लें या क्वार्टरली आधार पर देख लें। तो ये दोस्तों जहाँ तक मैंने इसमें रिसर्च करी, मुझे इस कंपनी के अंदर कुछ ही बेहतर नहीं मिला। सिर्फ एक चीज़ सिर्फ अपने दिल को समझाने के लिए इतना आप देख सकते हैं कि 52 लोगों के आसपास आपको शेयर दिखाई दे रहा है इस टाइम, और बाकी इसके अंदर खैर वो भी कोई अच्छा ही नहीं है। ये शेयर और भी नीचे आ सकता है, 1 रुपये पे 50 पैसे पे भी आ सकता है, क्यों कंपनी लगातार लॉस में चल रही है, इसके अंदर कुछ अच्छा देखने को ही नहीं मिल रहा। तो हम इस 52 लोगों का क्या करेंगे, कोई अच्छी कंपनी हो, फंडामेंटल अच्छे हों, तो उस कंपनी के हम 52 लो देख के उसमें खरीदारी करने की कुछ सोचें भी। ऐसी कंपनियों में हम क्या सोचें जो प्रॉफिट ही नहीं कर रही, लगातार लॉस में चल रही है। जब कंपनी लॉस में चलेगी तो हमारे शेयर का हमें मुनाफा दे देंगे, हमें भी लॉस होगा, और ऑपरेटरों की सीधी नज़र हो जाए, अच्छी नज़र हो जाए, तो आपके इस 8-9 रुपये के शेयर को 20-25 कर दे तो अलग बात है। बाकी कंपनी के अंदर कोई दमखम मुझे देखने को नहीं मिला। आप चाहें तो आपकी रिसर्च और बेहतर हो तो आप इसमें जो करना चाहें वो कर लें। मैं आपको ना इसको सेल करने के लिए कह रहा हूँ और ना ही बाय करने के लिए कह रहा हूँ। जो मुझे इसके फंडामेंटल और जो न्यूज़ दिखाई दी वो मैंने आपको बताई, और आपको वो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।